गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फोर्थ में सब्जेक्ट इंग्लिश में नया लेसन है गोइंग टू बाय ए बुक। वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी, गो एंड बाय बुक्स ही सेड, वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। एक दिन दादाजी ने मुझे और मेरा भाई को थोड़ा पैसा दिए। पैसा दे के बोले, जाओ जाके बुक्स खरीद के लेके आओ। हम दोनों बहुत खुश हो गए थे, क्यों हम दोनों को बुक पढ़ना बहुत पसंद है। शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, शुड वी गो टूडे, शुड वी गो टुमारो, वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। अभी जाए क्या, बाद में जाएंगे, अभी आज जाएंगे क्या बुक खरीदने, कल जाएंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। लास्ट में फैसला किए हैं अभी जाके बुक्स खरीद के लेके आ जाते हैं। दोनों भाई बहन दोनों जा रहे हैं बुक खरीदने। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड वी गो विथ समबडी, शुड वी गो अलोन, वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप जस्ट द टू ऑफ अस। पहले वो लोग क्या सोचते हैं, बड़ा मार्केट में जाए क्या, छोटा दुकान पे जाए, और किसी को साथ में लेके जाए क्या, दोनों अकेले जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं। लास्ट में क्या फाइनल किए, स्मॉल छोटा दुकान पे जाएंगे और भाई बहन दोनों ही जाके लेके आएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स। वो छोटा दुकान है लेकिन वहाँ बहुत सारा बुक्स है। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस। वो दुकान वाला हम लोग को बहुत पसंद करता है, वो हमेशा हम लोग को मदद करता है। हाँ, शुड आई बाय ए बुक विथ ए लॉट ऑफ पिक्चर्स, शुड आई बाय ए बुक विथ ए लॉट ऑफ स्टोरीज, शुड आई बाय ए थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड। देखो वो क्या सोच रहा है, बहुत सारा पिक्चर रहेगा उसको खरीदे क्या, बहुत सारा कहानियां रहेगा वो बुक खरीदे, और पतला बुक खरीदेंगे क्या मोटा बुक खरीदेंगे, वो भी ये लोग को कंफ्यूज था। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, रिलैक्स कम विथ मी ही सेड। कैसे हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कौन सा बुक खरीदे, तभी वो दुकान वाला हमको देखो मुस्कुराया और बोला टेंशन मत लो इधर आ जाओ। ही सेड दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दोस आर अबाउट मशीन्स, दोस ओवर देर आर अबाउट वार्स, टेक व्हाट यू वांट। वो बच्चे लोग को लेके जाके बुक्स को दिखाता है, दिखा के बोलता है थोड़ा ये बुक्स है एनिमल्स के बारे में है, और दूसरा बताता है ये बुक्स में मशीन्स के बारे में है, दूसरा है वॉर, कैसे एक देश से दूसरे देश के साथ में वॉर लड़ाई होता था उसके बारे में है, इसी में से तुम लोग को क्या लेने का है ऐसा पूछ के बताता, दिखा के पूछ रहा था। आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, आई सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द चेयर, एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। देखो थोड़ा बुक वो लोग हाथ में ले लिए, मैं नीचे बैठ के पढ़ने लगी हूँ वो बुक्स को देखने लगी, मेरा भाई चेयर पे बैठ के वो बुक्स देखने लगा। इट वॉज वेरी क्वाइट, देर वॉज नो साउंड, मतलब वहां एकदम शांति था, उधर कोई भी आवाज नहीं था। वन आवर पास्ट, टू आवर्स पास्ट, फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। कैसे हम लोग बैठ के बुक पढ़ने लगे, एक घंटा गया दो घंटा गया, हम लोग पढ़ते गए फिर समझ में हम लोग को आ गया कौन सा बुक खरीदना है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, आई गॉट ए फैट बुक विथ मेनी स्टोरीज, हम लोग एक मोटा बुक खरीदा वहां बहुत सारा कहानियां रहेगा। My brother got a big book with many pictures. मैंने स्टोरी वाला बुक खरीदा लेकिन मेरा भाई ने पिक्चर्स बहुत सारा पिक्चर्स रहेगा वो बुक खरीदा। We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He
put his arms around us and then we read and read and read. देखो वो बच्चे बुक्स खरीद के अपने दादाजी के पास भाग के गए, बेड पे चढ़ के उनके साथ में बैठ गए और उनका दादाजी ने दोनों बच्चे को अपना गोदी में ऐसा हाथ डाल के ले लिया अपने बाजू में. फिर बैठ के वो लोग देखो वो बुक खोल के रीड करते गए, पढ़ते गए. अब इसी में बुक्स के बारे में ऐसा दिया है.